हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर पर्सलिन के फ्लावर्स के साथ। और आज के वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन में जो जो फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, गार्डन का टूर कराने वाली हूँ। तो दूर का ओवरव्यू मैं आज आपको नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर टाइल्स लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मैस हो रहा है। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हो, ये है पैरट्स बीक, और रिसेंटली गार्डन में ऐड किया है, उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर हिबिस्कस हैं देसी वाले, जो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और बहुत सारे इसमें ब्लूम्स आए हुए हैं और बहुत सारे नए नए बर्ड्स भी आ रहे हैं। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस है, कुछ टाइम पहले ही गार्डन में ऐड किया था, आप लोग के साथ शेयर भी किया था, और ये भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। जबकि धूप की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी गार्डन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स होने की वजह से सबको अच्छे से धूप नहीं मिल पा रही है, और गार्डन एक्सटेंशन का काम भी चल रहा है। और फिर भी हाँ, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसमें भी बर्ड्स वगैरह आई हुई है, तो ये भी अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पर बेबी सन रोज़ है, बेबी सन रोज़ में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो जिन पौधों के ऊपर धूप पड़ जाती है वो अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, और जिन पे धूप अच्छे से नहीं पड़ पा रही है उनको थोड़ा सा फ्लावरिंग में दिक्कत आ रही है। फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है या तो फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एलमेंडा है, एलमेंडा का भी यही हाल हो रखा है। और यहाँ पर हिबिस्कस है एक, और ये भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, जबकि बारिश भी हो जाती है यहाँ पर अक्सर, फिर भी ठीक ठाक चल रहे हैं अभी सारे पौधे। और यहाँ पर अपराजिता है, अपराजिता में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे नंबर्स में इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत ही प्यारे लगते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं, बिगिनर्स के लिए बेस्ट प्लांट होते हैं, क्योंकि आप इन्हें सीड से, कटिंग से, दोनों से प्रोपोगेट कर सकते हो। और अपने गार्डन में एक बार आप इंक्लूड कर लेते तो सालों साल ये बना रहता है। और यहाँ पर एक और हिबिस्कस है, और ये भी हाइब्रिड है, और ये शेड थोड़ा सा मुझे अनकॉमन सा लगा, तो मैंने अपने गार्डन में ऐड कर लिया था कुछ टाइम पहले ही, बट इसमें फ्लावरिंग अभी कम हुई है। ये फ्लावर सेकेंड टाइम ब्लूम किया है, और फिर भी मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा अनकॉमन सा कलर था। और यहाँ पर क्रोसेंड्रा है, जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, और इनमें भी थोड़ा धूप की प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर इस पार्ट पे भी धूप कम आती है मेरे गार्डन के, और फिर भी ठीक ठाक फ्लावरिंग इसमें भी हो रही है। और ये भी बहुत इजी टू ग्रो प्लांट्स होते हैं, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। और यहाँ पर अडेनियम है, अडेनियम रोजी वैरायटी वाले खूब सारी फ्लावरिंग कर रहे हैं, बट सबके पास मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको और भी अडेनियम दिखाती हूँ, उनमें भी अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। और यहाँ पर टेक्सस सेज में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होती जा रही है, क्योंकि बारिश का मौसम यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ टेक्सस सेज खूब अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। और इसके केयर टिप्स पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुकी हूँ, कुछ टाइम पहले ही आप लोग के साथ शेयर भी किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक आई बटन पर दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पर रोज़ेस है, रोज़ेस बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, बट फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं अभी भी। और वाटर लिली तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते ही जा रहे हैं नॉनस्टॉप, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट मुझे लगे, और इस बार ही मैंने इन्हें अपने गार्डन में इंक्लूड किया है, तब से मुझे बहुत अच्छे लगे ये। और यहाँ पर मिनिएचर ये ड्वार्फ जो बोलते हैं इसे, तगड़ का पौधा है ये, और इसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये फर्स्ट लव गोल्डन पेंडा प्लांट, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं लिंक दे दूँगी आई बटन पर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो। और ये भी बहुत ही फेवरेट प्लांट होता है पोलिनेटर्स के लिए। और यहाँ पर जो है पिंक चांदनी है, जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है बिगनर्स के लिए, और इसे आप कटिंग से भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हो, नए नए पौधे बना सकते हो बरसात के मौसम में, सॉफ्टवुड कटिंग भी इसकी बड़ी आसानी से लग जाती है। और यहाँ पर जूही का पौधा है, ये हाइब्रिड जूही, अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोग के साथ शेयर भी किया था शॉपिंग वाली वीडियो में, ये ऐड करा है गार्डन में, और ये भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड सावनी है, यहाँ पर सावनी में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, ये तो बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस और हैवी ब्लूमर होता है, पूरी गर्मी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है, बरसात के मौसम में तो बढ़ जाती है। और ये रहा प्लम्बैगो में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और इसके केयर टिप्स पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, और आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, आप लोग चैनल पर चेक भी कर सकते हो।
और यहाँ पर पेंटास है, पेंटास में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पर कामिनी का पौधा है, कामिनी में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। ये डॉर्फ वैरायटी वाला कामिनी है, मधु कामिनी, और ये प्लांट भी पॉलिनेटर्स का बहुत फेवरेट होता है। और यहाँ पर शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार भी बरसात के मौसम का एक परफेक्ट ऑप्शन होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है ये भी, और इसमें भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। और यहाँ पर है बेगम बहार, बेगम बहार में इस बार फ्लावरिंग मेरे प्लांट में थोड़ी सी कम आई है, धूप की प्रॉब्लम मैंने बताया आप लोग को बहुत ज़्यादा है गार्डन में चल रही है, प्लांट ज़्यादा होने की वजह से स्पेस इश्यूज़ आते हैं और उसके बाद फिर धूप कम मिल पाती है तो पौधों को, तो उसमें फ्लावरिंग अफेक्ट होती है। बट होपफुली ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी जल्दी। और यहाँ पर कुछ और हिबिस्कस हैं जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, और ये हाइब्रिड वाला ही है और इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, हमेशा इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और जितने भी मैंने अभी तक हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस बाय किए हैं, बहुत सारे बाय करती रहती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर भी किए, बट ये वाला जो है मतलब ये आप बिलीव नहीं करोगे, विंटर सीजन में जबकि इनका डोरमेंसी का पीरियड होता है ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। ये एक ऐसा प्लांट है हिबिस्कस ये वाला। और यहाँ पर अजेलिया है, अजेलिया में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और कई बार मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया है। और अभी जैसे बरसात का मौसम आ गया तो थोड़ा सा पौधे और भी अच्छे हो गए हैं और इनमें फ्लावरिंग भी बढ़ गई है, तो ये भी फ्लावरिंग करता ही रहा है, विंटर में भी इसने करी थी और अभी समर में भी कर ही रहा है ये। और यहाँ पर लैंटाना है, लैंटाना में भी खूब अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है, और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, आप इसे जो है हैच के तरीके से भी ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक ये सक्युलेंट प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, इस प्लांट का नाम मुझे अभी तक पता नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।